यार सबसे पहले तो जब मैंने डैड के साथ पहला शॉट दिया तो 3-4 टेक हुए और मैं विकास के पास सिर्फ आके ये कहता रहा कि विकास मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, और विकास मुझसे कहता रहा शायद तू सडनली इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है. एंड आई फेल्ट लाइक यू नो आई नीड टू डू अ लॉट टू बी एबल टू जस्ट फॉर पीपल टू जस्ट गो फ्रॉम लेफ्ट ऑफ कैमरा वेयर डैड वॉज टू राइट ऑफ कैमरा वेयर आई एम. सो फॉर मी इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट दैट मुझे अपने डैड के साथ काम करने का मौका मिला. एंड आई लाइक टू थैंक विकास फॉर दैट, फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी. आई हैव बीन डायरेक्टेड बाय हिम बट आई हैव नेवर डन यू नो स्टूड इन द सेम फ्रेम एज हिम. तो मैं शुरुआत में बहुत नर्वस था, बट आई थिंक 2-3 दिन बाद हम लोगों की जो केमिस्ट्री है, एक्चुअली अगर आप देखें तो वो आलिया के फादर प्ले कर रहे हैं और मेरी और उनकी बिल्कुल जमती नहीं है फिल्म के अंदर. तो हम एक दूसरे को हमेशा यू नो वेर बोथ गेटिंग एट ईच अदर. तो 1-2 दिन के बाद वो सेट हो गया. जैसे आप देखें हम लोग आई थिंक आज तक कभी किसी फिल्म के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं आया होगा जहाँ पे लड़की के फादर और हीरो जो है वो स्काई डाइविंग करते हुए लड़ रहे हैं लड़की के बारे में. तो इस तरह के सीन से लॉट ऑफ रियली फन स्टफ टू डू विद डैड. And I think after some time we kind of went in that space where we were going for it with each other, and it was a lot of fun. And I actually it's that's one of the most special things about Shaandaar for me, that I got to work with my father and I also got to work with my sister Sana, who's debuting in this film. That was fantastic. Ji, Alia jo thi unka dad ke saath ek anokha rishta ban chuka tha, aur jaise काफ़ी लोग जानते हैं मेरे डैड जो हैं वो काफ़ी मेथड एक्टर टाइप के एक्टर हैं. वो अपने रोल में इतना घुस जाते हैं कि शॉट जब कट होता है तो भी वो रोल में ही रहते हैं. तो मुझसे ज़्यादा एंड माई डैड इज 61, लेकिन वो हारने से नहीं उतरे, मैं दो बार उतरा. सो दैट समथिंग अमेजिंग दैट आई सॉ ऑफ हिम. और उनके लिए ही इज गॉट स्पॉन्डिलोसिस एंड ही सो इट्स डिफिकल्ट फॉर हिम, बट ही नेवर वंस सेड एनीथिंग एंड दैट टू मी वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग. लास्ट दिन जो था इस फिल्म का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन था. उस दिन मैंने एक लाइव टेनिस मैच देखा विकास बहल और मेरे फादर के बीच में. क्योंकि लास्ट दिन था, विकास बहल सोए नहीं थे. वो सुबह 6 बजे तक पार्टी कर रहे थे कि फाइनली दिस फिल्म इज ओवर और मेरी जिंदगी मुझे वापस मिल जाएगी. और डैड जो थे, बिकॉज हम एक डॉर्मेट्री में रह रहे थे जहाँ पे सब एक ही फ्लोर के ऊपर रह रहे थे सब लोग, वो रात भर सोए नहीं थे. बिकॉज फैंटम के लोग जो है वो एक साइड से दूसरी साइड से यही हो रहा था सुबह 6 बजे तक. तो वो बहुत इरिटेटेड पूरी रात सोए नहीं आए थे. और उस दिन एक डिस्कशन हुआ, फिल्म के लास्ट दिन डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन का सब्जेक्ट था एक्चुअली व्हाट इज शानदार, व्हाट इज दिस फिल्म, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फिल्म एंड व्हाट इज द सुर ऑफ दिस फिल्म. और ये फिल्म का लास्ट डे था, तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, जहाँ इस तरफ डैड खड़े हुए थे और इस तरफ विकास खड़े हुए थे, और दोनों के बीच में 15-20 मिनट की एक डिस्कशन हुई जो फिल्म की शुरुआत में होनी चाहिए थी बट वो फिल्म के लास्ट दिन पे हुई. सो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस. विकास, for more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.